गुड़गांव से राज बब्बर पीछे और राव इंद्रजीत आगे चल रहे हैं। गुड़गांव में उलट फेर हो गया है। राज बब्बर जिन्होंने लीड ली हुई थी अब वो पिछड़ रहे हैं और राव इंद्रजीत सिंह अपनी गुड़गांव की सीट एक बार फिर बचाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या जीत का चौका राव इंद्रजीत लगा पाएंगे या राज बब्बर बड़ी उलट फेर करेंगे, इसका इंतजार है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात कर ली। वो केवल इसलिए नहीं किया कि वो कहीं जा रहे हैं, वो एक उनके बड़े सहयोगी हैं और इसलिए जरूरी है कि वो बात करें। और आज जब गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुमत नहीं है तो बहुत जरूरी है कि वो बात करें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी इंडिया गठबंधन को अपना घर संभालने की जरूरत है कि वहां से कुछ लोग निकलकर एनडीए गठबंधन में ना आ जाए। और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के नेता इंडिया गठबंधन पर अपनी नजर लगाए हुए हो। लेकिन ये पॉलिटिकल मैसेजिंग तो शुरू हो गई है ना, मतलब खबर आती है कांग्रेस की तरफ से टीडीपी जेडीयू से संपर्क साधा जा रहा है और फिर अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीडीपी चंद्रबाबू नायडू से बात करते हैं। ये दिखा रहा है ना कि जो स्थितियां हैं, जो लगातार 9:15 बजे से ये परिस्थिति बननी शुरू हुई थी कि एक तरफा नहीं है और वो लगातार ये बना हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री के लिए भी ये ज़रूरी है कि जो सबसे महत्वपूर्ण उनके घटक दल हैं उनको बता के रखें कि नहीं, हम लोग आपको साथ लेके चलना चाहते हैं। एनडीए में साथियों की कदर बढ़ रही है अब, पर वो घटक दल से बात कर रहे कम से कम। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।